Hi, I'm Alan Amin. I'm an action director in Bollywood, and happy Diwali to everybody in advance. Hamare peshe ke liye very proud that we are doing this, and we are not looking for fame. We are looking for the adrenaline, jisse humko jab stunt karte hai to ek adrenaline hota hai. Isliye aap abhi dekhte hai, pehle waisa nahi hone ka, abhi aap dekhte hai ki aap log साइकिल स्टंट्स करते हैं, मोटरसाइकिल स्टंट्स करते हैं, रेसिंग करते हैं, पहले इतना फेमस नहीं था, तो उसके लिए हमको फिल्म लाइन में जब हम लोग स्टंट्स करने के तो एक एड्रेनलिन मिलने का। सर आपके बारे में किसी को स्टंटमैन बनना है तो घर बैठे कंप्यूटर पे देख देख कर वो देख कर चीजें बना सकते हैं, लेकिन उस टाइम में कंप्यूटर में इतना हर चीज देखते, आप मैनुअली हर चीज करते थे। मैंने खुद देखा है कितनी फिल्मों में आप हाथ से प्रोजेक्ट बनाते थे, हाथ से ऐसे जुगाड़ जिसको कहते हैं बनाते थे कि स्टंट करना है, तो कितना मुश्किल था पहले और आज कितना ईजी हो चुका है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत इजी हो चुका है, और फॉरेन फिल्म्स वर्ल्ड वाइड रिलीज होती है तो लोग फॉरेन फिल्म्स देखते हैं, और हमारे जो फिल्म्स में जो स्टंट होता है, एक्शन होता है, वो उनको फॉरेन फिल्म्स के साथ कंपेयर करते हैं, पर वो लोग ये नहीं सोचते कि हमारी फिल्म 150 to 200 crores की फिल्म होती है और उनकी फिल्म 5000 crores की होती है, तो उनका जो एक्शन होता है वो सपोर्टेड बाय स्पेशल इफेक्ट्स और बाकी काफ़ी टीम के साथ सपोर्ट होता है। एक सिर्फ एक्शन डायरेक्टर को वहाँ से बुला के वो रिजल्ट आ नहीं सकता है। दोनों जगह सेम है, जो आज हमारे स्टंट वालों को, लड़कों को पैसा मिलता है इंडियन रुपीस में, वही पैसा इक्विवेलेंट फॉरेन स्टंट वाले जो आते हैं उनको भी उतना ही मिलता है। ये डिफरेंस है कि हमारे स्टंट वाले को 5000 रुपया दिन का मिलता है और उनको 2000 रुपया डॉलर दिन का मिलता है। करेक्ट, तो ये चीज बताना चाहिए दर्शकों कि लोगों को दिमाग में भ्रम है कि विदेशी। मैं अभी नहीं, लेकिन काफी टाइम से फॉरेन जो एक्सपर्ट स्टंटमैन है, जो धूम और धूम टू में मैंने बुलाया था और रेस में बुलाया था, वो मैं उनको बुला के मेरे अंडर काम कराता हूँ। मैं एक्शन डायरेक्टर हूँ और वो मेरे पास स्टंट करने आते हैं, और रिगिंग टीम को भी मैं साउथ अफ्रीका से बुलाता हूँ। मैं डिशुम के लिए भी बुलाया था और जग्गा जासूस के लिए भी बुलाया था, तो वो आके मेरे अंडर में काम करते हैं और एक टीम वर्क करके करते हैं। मैं कोई उनके पास जाके या उनके अंडर में काम नहीं करता हूँ, बल्कि उनको हमारे पास बुला के हमारे के तरीके से काम करवाता हूँ। एक बार हुआ था जब धूम टू में मेरा एक स्टंटमैन ट्रेन के बीच में से जंप कर रहा था, और चालू ट्रेन थी और चालू ट्रेन के बीच में से उसने मोटरबाइक जंप किया, तब आई वॉज वेरी नर्वस क्योंकि वो फर्स्ट टाइम एज अ स्टंट हो रहा था एनी इन फिल्म इंडस्ट्री में। और सेकेंड टाइम जब धूम टू में ऋतिक रोशन जंप करता है और उसके पीछे अभिषेक जंप करता है, तो हमने वहाँ से स्काई डाइवर्स मंगाए थे जो स्काई डाइविंग करते हैं, तो उनको क्रेन पे से जब जंप कराया और हम लोग उनको देख नहीं सकते थे क्योंकि उन लोग इतने ऊपर से आ रहे थे, तब मुझे ऐसा लगा क्या गॉड फॉरबिड नथिंग शुड हैपन। हम लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जब हम कोई स्टंट करते हैं तो वो स्टंट सिर्फ ताली बजाने के लिए नहीं होता है, वो पहले
पहले जमाने में ऐसा होने का कि अगर ताली बजाए स्टंट किए, ताली बजाए कि एक्टर ने स्टंट किया, ताली बजाए कि एक्शन स्टंट वाले ने स्टंट किया, अभी बहुत कम होता है क्योंकि अभी स्पेशल इफेक्ट्स आ चुका है और स्पेशल इफेक्ट्स से स्टंट को एम्फसाइज किया जाता है। आप मुझे बताइए, आपने धूम वन और धूम टू देखा और आपको कैसा मजा आया, और धूम थ्री आपने देखा तो आपको क्या मजा आया? आप एज ए ऑडियंस, आपको खुद को मालूम है कि तीनों फिल्मों में, दोनों फिल्मों मैंने की फर्स्ट और सेकंड, जिसमें एक्टर्स ने रियल स्टंट और रियल सब एक्शन किया है, और धूम थ्री में स्पेशल इफेक्ट्स को जास्ती यूज किया है, तो आप लोग खुद जज बनिए क्या विच वॉज द बेटर एक्शन फिल्म। Let the audience decide. अगर बात करें सर, ये स्टंट करते करते कई बार मौत हो जाती है, कई बार हुआ है, नाम लेना चाहिए किसी फिल्म का ऐसे, तो डमी बना के उसके साथ रिहर्सल करके और रिहर्सल सक्सेसफुल होती है, उसके बाद मैं फिर मेरे एक्शन को स्टंटमैन को एक्ट कराता हूँ। अभी जैसे एक मैं बंगाली फिल्म किया जिसमें जीत ने जो स्टंट किया बिल्डिंग के ऊपर से भागने का शॉट है, जो एक ही हीरो ने किया है, टॉम क्रूज ने बुर्ज खलीफा में मिशन इम्पॉसिबल के लिए, वो सेम चीज़ जीत ने हीरो ने 40 माले के बिल्डिंग से भाग के वो ऊपर से नीचे तक आया है, तो वो अभी आने वाली है फिल्म। तो उसने वो स्टंट खुद क्यों किया, क्योंकि जब उसने देखा कि मैंने मेरे लड़के से 3 बार वो स्टंट कराया और वो कंफर्टेबल था, तो सामने से मुझे आके बोला क्या आई वुड लाइक टू डू इट, सो आई सेड इफ यू वांट टू डू इट गो अहेड एंड डू इट। और एक बार करने के बाद उसने फिर सेकंड टाइम भी किया और थर्ड टाइम भी किया सक्सेसफुली। जब मैं एक्शन करता हूँ फिल्म में, तो मेरे जितने फैंस हैं, जो मेरे लोग मुझे चाहते हैं, वो लोग इमिजिएटली समझ जाते हैं कि ये एक्शन मैंने किया। मेरा नाम आवे या नया नाम आवे, उनको मालूम है कि मेरा स्टाइल ऑफ एक्शन करने का स्टाइल कैसा होता है, इसीलिए वो मुझे मेरे एक्शन को वो अप्रूव करते हैं और पहचानते हैं। मैंने किया था दिल में, आमिर खान के डबल में एक ट्रक और कैबिन के बीच में से मोटरबाइक जंप करने का था, तो वो जंप मैंने किया था मूविंग ट्रक में और मूविंग बाइक में। सर, इस चीज को लेकर आपके बच्चे, आपकी वाइफ और फैमिली कभी कुछ बोलते हैं, ये नहीं करना चाहिए पापा, खतरनाक है? वो जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं स्टंट करने का, उसके बाद मैं स्टंट डायरेक्टर बन गया, लेकिन अभी भी अभी भी मुझे करना पड़ता है। जैसा अभी मैं एक फिल्म करने गया था और दो स्पीड बोट का शॉट्स सब थे, उसमें मेरे लड़के लोग, वो वहाँ के जो थे बैंकॉक के लड़के लोग, बोले कि हम लोग इसके पीछे शॉट नहीं ले सकते क्योंकि स्पीड बोट का जो पानी का फोर्स रहता है, तो अगर आप कैमरा लेके दूसरी जेट्स की लेके जाएंगे तो कैमरा पलटी हो सकता है, तो और बोट पलटी हो सकती है, तो हम लोग ने रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मैंने बोला प्लीज जैकेट मेरे को दो, लाइफ जैकेट पहना, मेरे आदमी को बिठाया और कैमरे से जाके मैंने खुद शूट किया, जिसका मैं फुटेज आपको दे सकता हूँ। सर, आपके सामने सब हीरो लोग कहते हैं बड़ा स्टंटमैन है, बड़ा ये है, लेकिन अमीन को पता है कि रियल स्टंटमैन कौन है इंडस्ट्री में, कि जो कहता है कि नहीं साइड हो मैं खुद करता हूँ, आपने बोला खुद नहीं, डुप्लीकेट नहीं करेगा मैं खुद करता हूँ, कौन ऐसा हीरो है जो? ऐसे बहुत से हीरो हैं मेरे नज़र में, मैंने जितने फिल्में की है, मैंने रेस की है, मैंने धूम किया है, सत्या किया है, कंपनी की है, जोजीता और सिकंदर आमिर खान के साथ भी किया है, लेकिन सब और जितने हीरो हैं, भाग मिल्का भाग, सब हीरो लोग को जब देखते हैं कि मैं एक स्टंट सेटअप करता हूँ, उन लोग रहते नहीं उधर, जब मेरा सेटअप रेडी होता है उन लोग आके सेटअप देखते हैं और देखते हैं कि मेरे लड़के लोग वो स्टंट
एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार, पांच बार करते हैं सेफली, तब उनको लगता है कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ। इसमें सब हीरो जैसा ऋतिक रोशन हुआ, अभिषेक बच्चन हुआ धूम में, उन्होंने सब अपना स्टंट खुद किए। अक्षय कुमार एक बॉर्न एथलीट है और उस वो खुद अपना स्टंट खुद करता है और स्टंट के अंदर उसको बहुत इंटरेस्ट है। मैं जब करता हूँ मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, क्या पहले मैं मेरे स्टंटमैन से कराऊंगा, देखूंगा 100% सेफ है, डमी से कराऊंगा सेफ है, फिर अगर एक्टर राजी होता है करने के लिए, जो जो भी एक्टर राजी होता है करने के लिए, उससे मैं कराता हूँ। कौन सा ऐसा स्टंट है सर, जो एक्शन है जो आपको लगता है पूरा नहीं हुआ, कि वो सपना मुझे पूरा करना है मेरा या पापा का, जो बाकी है आपके दिन में कोई ना कोई तो ऐसे हो, और ये चीज मुझे करनी है कब मिलेगी? मुझे तो बहुत चीज करनी है। क्या बहुत सी चीजें करनी है। अभी मैंने एक अभी स्टंट डिजाइन किया हूँ, जैसा ट्रेन जा रही है और बाइक ट्रेन के ऊपर से, ब्रिज के ऊपर से डायरेक्ट ट्रेन के ऊपर मूविंग बाइक जंप करती है, और वही बाइक सामने ट्रेन के ऊपर जंप करती है, बाइक गिरती है, एक्टर नीचे लेट जाता है और उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, ये मैं लाइव शूट करने वाला हूँ। ये नवंबर में मैं शूट कर रहा हूँ और आप लोग को मैं इन्वाइट करूंगा, और आप आइए बैंकॉक और ये खुद देखिए कि कैसा स्टंट होता है। मैं जब से स्टार्ट किया हूँ एक्शन डायरेक्शन, हर साल दिसंबर में मैं शूट नहीं करता हूँ और मई में शूट नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वो टाइम मेरे फैमिली के लिए रखना चाहता हूँ, और दिसंबर में हम लोग क्रिसमस मनाते हैं और क्रिसमस के लिए हम लोग हॉलीडे पे जाते हैं, मैं और मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरी दो बच्ची, और मई में जब उनकी स्कूल की छुट्टी रहती है तब हम लोग हॉलीडे पे जाते हैं। अभी स्कूल चेंजेस हो गए तो जून जुलाई में हम लोग हॉलीडे पे जाते हैं, लेकिन हर साल ये दो महीने होते हैं उसमें मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। अमीन जैसा 20 साल पहले दिखते थे आज भी सेम वैसे ही दिखते हैं, फिटनेस मंत्रा क्या है आपका, क्योंकि पहचान में कोई शायद देखे 20 साल पहले वो आज अमीन वही है, फिटनेस सब चीज क्या है? बुरा मत सोचो किसके लिए, किसकी बुराई मत करो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबकी मदद करो, कोई स्टंटमैन को लग जाता है या किसको प्रॉब्लम होता है हेल्प करो, ये मैं सबसे विनंती करूंगा, सब एक्शन डायरेक्टरों से और सब प्रोड्यूसरों से, कि कभी किसको लगता है या किसको इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो उसकी मदद करो, जैसा मैं भी जितना मेरे से हो सकता है मैं किया हूँ, लेकिन मैं सबको यही बोलूँगा क्या हेल्प सबको करो, और सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदेशों में एक सेफ्टी इंस्पेक्टर होता है तो जो हमारे इंडिया में आज तक नहीं हुआ है, और जब वहाँ के स्टंट मास्टर भी यहाँ बुलाया जाता है तो वो सेफ्टी इंस्ट्रक्टर को कोई बुलाता नहीं है, सिर्फ स्टंट मास्टर को बुलाते हैं और उसके एक दो आदमी आते हैं और करते हैं, तो रिजल्ट तो आप देख ही रहे क्या रिजल्ट मिलता है। मैं कोई फिल्म का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग खुद देख सकते हैं क्या वो जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो सेफ्टी देखता है क्या पहले ये सेफ्टी में ये स्टंट कर रहे हैं तो ये सेफ है कि नहीं, इसका टनेज कितना है, ये केबल जो यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है, केबल नया है कि जूना है, वो उसका काम होता है। प्लस सेट के ऊपर कुछ भी आदमी को लग जाता है, वो स्टंट रेवे या लाइटिंग डिपार्टमेंट रेवे या आर्ट डिपार्टमेंट रेवे, वो सेफ्टी इंस्ट्रक्टर का काम होता है, जो वो आके सब कुछ चेक करता है, क्योंकि वो सिर्फ सेफ्टी के लिए ट्रेंड हुआ जाता है। हाँ, मेरे डैड मुझे काफ़ी हेल्प किया है और काफ़ी नॉलेज दी है, बट प्लेट में रख के नहीं मिला है, आपको सीखना है तो आपको करना पड़ेगा, और जब मैं ओनली स्टंटमैन था
जो आज तक नहीं है, जो घोड़े का भी स्टंट मैं करने का, बाइक का स्टंट भी करने का, गाड़ी भी पलटी करने का और स्पीड बोट जंप भी करने का, जो मैंने सल्तनत में किया था, घोड़े को गिराने का है या घोड़े के साथ फॉल देना है या स्पीड बोट जंप करना है, मोटरसाइकिल जंप करना है, कार पलटी करना है, 30 माइल से जंप करना है, रैपलिंग करके डाउन आना है, फायर के थ्रू बाइक चलाना है, ये सब स्टंट मैंने किया हूँ। उसीलिए मैं मेरे लड़कों को हमेशा सेव कराता हूँ, क्योंकि मैं ये सब कर चुका हूँ और मेरे को मालूम है कि ये सब कैसे किया जाता है। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है, इंजर्ड हुआ है। एक मेरे डैड जो थे वो स्टंटमैन थे पहले, तो वो जब पहले यहाँ, अभी हम लोग सेफ्टी ग्लास यूज़ करते हैं, पहले रियल ग्लास यूज़ करने के, और रियल जब ग्लास यूज़ करने के तो उसके अंदर से डाइव करके जाने में आदमी के हाथ के पैर के नस कट जाने के, पर मेरे डैड जो थे वो हमेशा रियल ग्लास में से जंप करने के, तो मैंने सोचा कि मैं मेरे डैड के फुटस्टेप पे जा रहा हूँ, तो मैं भी एक बार ट्राई करूँ रियल ग्लास में से करने के लिए। और एक फिल्म में मैंने रियल ग्लास में से डाइव करके गया और कुछ हुआ नहीं, लेकिन एक ग्लास इधर फंसा था वो निकाला, उसके बाद चिंगारी निकली इसकी ब्लड की, बट सेफली मैं सेफ हो गया था। और अभी दुशुम के टाइम में जब मैं एक्शन कर रहा था वरुण धवन के साथ, जॉन इब्राहिम वरुण धवन के साथ और रोहित धवन के साथ, तब एक बाइकर ने मेरे चेस्ट के ऊपर बाइक मारा, और बाइक मारने के बाद मिस्टेक से उसके हाथ से एक्सेलेटर छूट गया और बाइक मेरे चेस्ट पे आके लगी, मैं जाके गिरा नीचे ज़मीन पे और मेरे सर में 12 टाके आए। 12 टाके आए रात को 2 बजे, मैं हॉस्पिटल गया। 2 बजे हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने डॉक्टर को बोला एनेस्थेसिया नहीं देने के लिए और मेरे को स्टिचिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे जाके वापस मेरा स्टंट ख़त्म करना था। वरुण धवन का सेफ्टी इशू था कि उसको स्टंट करना था, तो जब मैं 2 बजे स्टिचेस लगा के 4 बजे सेट के ऊपर पहुंचा, तो पूरा सेट खड़े रह के तालियां मारा। और वरुण धवन ने इसके बारे में भी इंस्टाग्राम पे लिखा है। और मैंने मेरा पूरा शूट ख़त्म किया 7 बजे तक सुबह, और फिर मैं होटल पहुँचा। हाँ, आज आज हम लोग वो नहीं करते, क्योंकि वो बहुत डेंजरस था और उसमें कुछ सेफ्टी, हाँ वो करेक्ट है। जो पहले के जो स्टंटमैन थे उन लोग ने हमारे लिए एक नया पाथ बनाया था, क्या उन लोग अपनी ज़िंदगी से खेल के उन लोग स्टंट करने के, और लेकिन आज हमारे पास इतनी सेफ्टी आई है, केबल्स आ गए, जो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने फिल्म इंडस्ट्री में, पहले केबल्स नहीं थे, मैं एड फिल्म में यूज़ करने का, फिर मैंने मिशन कश्मीर से स्टार्ट किया, कयामत में स्टार्ट किया और केबल इंट्रोड्यूस करके ये सेफ्टी इशू मैंने लिखा है, जो 30 माइल से भी हीरो जंप कर सकता है लेकिन सेफ रह सकता है, एक्टर जंप कर सकता है या स्टंटमैन भी कर सकता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग ट्राई मत करो, क्योंकि हमारे पास जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो हम लोग हमेशा चेक करते रहते हैं, और वो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के साथ ही स्टंट करना चाहिए। मैं अपने आप को मानता हूँ अपना कॉम्पिटिटर, क्योंकि मैं जो करता हूँ उससे मुझे बेटर करना है, और जो जो आज तक किया हूँ उससे मैं बेटर करते जा रहा हूँ, और करते जब तक मैं करूँगा तब तक हमेशा अपने आप से जो जो किया हूँ उससे बेटर करूँगा। अनुराग बासु जी के साथ मैं अभी 3 फिल्म कर रहा हूँ, वो 19 को उनका, मेरे एजुकेशन के बाद मैं मोटोक्रॉस रेसिंग करने का, और रेसिंग करने के टाइम पे हम लोग मोटोक्रॉस में बाइक्स को जंप करते हैं, तभी बाइक जंप बहुत कम थी फिल्मों में, और जब मेरे डैडी ने देखा मुझे जंप करते हुए बाइक, तो उन्होंने मुझे कहा कि फिल्मों में करेंगे तो पैसा भी मिलेगा और नाम भी मिलेगा, तो फिर मैं बाइक स्टंट्स करने को शुरू किया। मुझे ऐसा लगा नहीं कभी, क्योंकि मेरा फोकस स्पोर्ट्स पे था, क्योंकि मैं एक स्पोर्ट्समैन था और मैं ऑल इंडिया मोटोक्रॉस रेसिंग करने का, तो मेरे लिए ये पैसा जो मिलने का फिल्म में जो मोटरसाइकिल गाड़ियों पे से जंप करने के लिए, वो पैसा मैं मेरे रेसिंग करियर में लगाने का, क्योंकि हमको रेसिंग में कोई सपोर्ट नहीं था मोटोक्रॉस में।
मेरे फादर का नाम ए गनी था। तो पापा काफी बड़े एक्शन मास्टर रह चुके हैं, काफी फिल्में उन्होंने की है, like, नागिन उस टाइम पे दत्त साहब के साथ, शत्रुघ्न सिन्हा सर के साथ और राजकुमार जी के साथ, इनके साथ उन्होंने फिल्में की है। लेकिन सर पहले के स्टंट में और अभी के स्टंट में फर्क आ चुका है, काफी चीजें हैं जो पापा करते थे अभी नहीं है, तो ये फील्ड आपके लिए कितना मुश्किल था कि उस फील्ड के अंदर घुसना, क्योंकि उस टाइम काफी यंग थे आप और एकदम एंट्री मारना कि बहुत रिस्की है, जान हथेली पे लेके काम करना। जान हथेली के लिए लेके तो हम लोग रेसिंग करने के मोटरसाइकिल में, और फिर फिल्मों में जब बाइक जंप करने के तो हमारे लिए बहुत इजी था वो, क्योंकि मोटोक्रॉस में 100 जंप्स एक रेस में होती है, वेरियस फिल्म में एक जंप एक शॉट के लिए होती है, मोस्ट प्रॉब्ली सेकेंड या थर्ड जंप रिपीट की जाती है, बट वंस यू इन मोटोक्रॉस एंड वंस यू आर मोटरसाइकिल राइडर यू आर फियरलेस। तेजाब करके एक फिल्म आई थी जिसमें सब मोटरसाइकिल स्टंट्स मैंने किया था, तो उस फिल्म से मेरे को काफ़ी नाम और शोहरत मिली। जो जम्प्स जो माधुरी को किडनैप करके जंप करते हैं बाइक लेके, वो सब बड़ी बड़ी जंप्स, और वो गाड़ियों का क्लाइमैक्स में अनिल कपूर का डुप्लीकेट मैंने किया था, और गाड़ियों से घर को तोड़ते हुए नीचे आने का पूरा सब मैंने वो स्टंट्स किए थे। क्योंकि ये हमारा पेशा है और हम एलन अमीन एक्शन डायरेक्टर, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू ऑल, सेफ्टी फर्स्ट।